नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अकाउंट गेमिंग में। तो रेसिडेंट एविल 2 के लास्ट वाले एपिसोड में हमें एक हेलीकॉप्टर मिला हुआ था और उस हेलीकॉप्टर में ना काफी सारी जो आग है वो लगी हुई थी। इस वजह से हमने लीवर को चेंज करके उसके ऊपर पानी डाल दिया था, जिससे कि उस हेलीकॉप्टर की जो आग है वो बुझ गई थी और वहां का जो रास्ता है वो एकदम क्लियर हो गया था, यानी कि वहां से हम आ और जा सकते हैं। इसके बाद हम एक कमरे में आ चुके थे और कमरे में हमें एक ग्रीन कलर की जो चाबी है वो मिल गई थी और उस ग्रीन चाबी से हम काफी सारे जो डोर है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम उसी वाले रूम में हैं और जो चाबी है वो मुझे यहाँ पर मिली हुई थी, इसमें लाइक लटकी हुई थी। और जो चाबी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली चाबी थी वो एक ग्रीन कलर की चाबी है। तो अभी जो है हमें बाहर की तरफ चल लेना है क्योंकि यहाँ पर कुछ जॉम्बीज वगैरह भी थे, तो उन जॉम्बीज को तो मैंने यहाँ पे मार दिया था। तो अभी हम फटाफट से जो है सामने की तरफ चल लेते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो अंधेरा है ना वो यहाँ पर है। जो लीवर तो ये वाला था तो इसको तो मैंने जो है टर्न करके ठीक कर दिया था और सामने की तरफ मेरे हिसाब से कुछ यहाँ पर कुछ हर्ब्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो फटाफट से इनको जो है मैं ले लेता हूँ। ये भी ले लिया और इसको भी मैंने ले लिया। अभी इन दोनों को ना मैं कंबाइन कर देता हूँ, जिसकी हेल्प से यहाँ पर मेरे पास जो जगह है ना वो यहाँ पे काफ़ी सारी हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे इतनी सारी जो हब्स हैं वो रखने की क्या ज़रूरत थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही ज़ॉम्बीज थे। ठीक है, आगे की तरफ जो हेलीकॉप्टर है ना, इसकी जो आग है वो तो यहाँ पर बुझ चुकी है और मैं यहाँ पर मैप चेक करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो अभी जो हमें जाना है वो जाना है अभी हमें टॉप के फ्लोर पे। यहाँ पे एक दरवाज़ा हुआ करता था जिससे कि वो जो चाबी है वो यहाँ पे खुल जाती। एक सेकंड, जो हॉल है वो किधर गया? ठीक है, ये रहा हॉल और जो दरवाज़ा है वो ये वाला दरवाज़ा खुलेगा लाइक रिकॉर्ड्स रूम। तो अभी जो है हमें यहीं पर जाना है, तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं और यहाँ से जाने का रास्ता मेरे हिसाब से यहीं से होगा, क्योंकि ये वाली जो सीढ़ी है ना ये तो यहाँ पर टूट चुकी है, यानी कि अब यहाँ से बाहर हम नहीं जा सकते। तो यहीं से जो है अभी मैं चल लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पर तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये यहाँ पे फिर से एक हर पड़ी हुई है, बट मेरे पास जगह तो है तो उसको यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे, पता नहीं कुछ पौधा वगैरह पड़। एक सेकेंड, ये कौन है भाई? ये कौन है, ज़ॉम्बी है क्या? इसकी टोपी तो मैंने उखाड़ दी है, ये मारेगा क्या मुझे? एक सेकेंड, यहाँ से निकल लो, निकल लेता हूँ फटाफट से मैं, क्योंकि ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर लग रहा है और ये मुझे मार देगा जहाँ तक मुझे पता है। ये मेरे पास ही आ रहा है वो, भाई भाई ये तो भाग भाग के आ रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे कहाँ जाऊँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी भी लाइक भागते भागते आ रहा है। तो मैं इसके अंदर छुप जाऊँ क्या? अभी भी आएगा क्या? एक सेकंड, मैं इसके अंदर चलता हूँ, अब शायद यहाँ पे नहीं आ पाएगा, आएगा तो मैं फोड़ दूंगा। शॉटगन निकाल लेता हूँ अपनी, ये रही शॉटगन, आ जा जल्दी आ। मेरे हिसाब से बगल वाले रूम में है, क्योंकि मुझे बगल वाले रूम में जो आवाज़ है वो यहाँ पर आ रही है और शायद से वो जा चुका है। एक सेकंड, वो यहाँ पर चला गया है तो मुझे जो है अभी बाहर चलकर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ। मतलब इतना बड़ा मॉन्स्टर क्या कर रहा था यहाँ पे, मुझे अपनी ये वाली गन निकाल लेनी चाहिए और मेरे हिसाब से सामने तो नहीं बैठा होगा। ठीक है क्या, कहाँ आ गया? अभी तो यहीं था यार, शायद से ऊपर की तरफ चला गया होगा, तो मुझे ऊपर की तरफ चलकर देख लेना चाहिए। यहाँ पर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, टॉर्च ना इस बारिश को भी अभी होना था, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, वैसे ही अंधेरा इतना है। तो मैं यहाँ पर चल लेता हूँ, मेरे हिसाब से वो निकल गया है। चलो ठीक है, वो तो यहाँ से निकल चुका है और मुझे भी अभी यहाँ से फटाफट से निकल लेना चाहिए, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है, वो कहीं से भी आ सकता है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर फिर से आ चुका हूँ, यहीं पर जो हमें वो थी ना क्लियर, वो यहाँ पर मिली हुई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये यहाँ नीचे क्या कर रहा है भाई? इसको नीचे किसने बुलाया भाई? इनविटेशन दिया था क्या किसी ने? यार मैं फंस चुका हूँ, मैं किधर जाऊँगा मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। ये यहाँ पे वेटिंग रूम है, इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से शायद से मैं हॉल के पास चला जाऊँगा और हॉल के पास जाने के बाद वो जो कमरा है ना उसमें मैं जा सकता हूँ, मेरे पास चाबी तो फिलहाल है ही। और ये पता नहीं पीछे पीछे आ तो रहा है मेरे, मुझे इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी शायद भाग गया है, कहीं चला गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी भी ऊपर ही है। एक सेकंड, ये मार्विन, मार्विन यहाँ बैठा है, मार्विन से मैं बाद में मिल लूँगा, पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अबे नीचे नहीं जाना यार, नहीं चल। एक सेकंड, वो अभी भी आ रहा है, मुझे फटाफट से यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैं जाऊँगा किधर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे ज़ॉम्बी वगैरह, एक सेकेंड, ये क्या था? अबे नहीं नहीं, मैं छोड़ दे यार, छोड़ दे प्लीज़ प्लीज़, आज छोड़ दे, नहीं 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 प्लीज़ छोड़ दे यार, छोड़ दे यार, आज छोड़ दे प्लीज़, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठीक है, ये लगाई मैंने चाबी, खुल जा जल्दी। अरे नहीं 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 नहीं, इसकी इसकी मैं क्या बताऊँ,
एक वो मॉन्स्टर आ रहा है, एक ये मॉन्स्टर आ रहा है, दो दो मॉन्स्टर है यहाँ पे। मैं निकल लेता हूँ यहाँ से। खुल जा दरवाज़ा, खुल जा, बंद हो जा, बंद हो जा। ठीक है, यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पर बंद हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा डरावना है ये। अब आएगा तो नहीं मेरे हिसाब से, मतलब दो दो मॉन्स्टर यहाँ किधर क्या ही कर रहे हैं। मेरा चाकू उसके अंदर ही लगा रह गया, शिट। चलो कोई दिक्कत नहीं, चाकू तो मुझे फिर से मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास वही एक चीज़ थी जिसको मैं, ठीक है मेरे पास कुछ फ्लैशबैक भी पड़े हुए हैं, इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ ये क्या पड़ा है, यहाँ पे कुछ टूल वगैरह है, बट मेरे पास इसको रखने की जगह नहीं है, तो मैं किधर रखूँ। एक सेकेंड, मैं इसको फेंक सकता हूँ क्या? ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल के लिए फेंक देता हूँ और इसको रख लेता हूँ, क्योंकि जो हर्ब है ना वो किसी काम में नहीं आती है यहाँ पे, मतलब थोड़े बहुत काम में आ जाती है। ये यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है, इसको भी मुझे देखना पड़ेगा आखिर ये क्या चीज़ है। फ्लैश ग्रेनेड है, इसको भी मुझे रखने की जगह चाहिए थी, बट ये भी जो है मुझे रखने की जगह नहीं मिल रही है। इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के लिए नहीं रख सकता हूँ, तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। बट एक काम करता हूँ, बाहर वाले मॉन्स्टर को ना यहाँ पे मार के आ जाता हूँ। बट यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है ना, ये तो किसी चाबी से खुलेगा शायद से। कौन सा वाला दरवाज़ा हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर कोई नहीं, कुछ सेफ्टी डिपॉजिट रूम करके, और यहाँ पे भी एक चाकू रखा हुआ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे चाकू मिल सकता है, बट मैं यहाँ पे जाऊँगा नहीं। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले उस मॉन्स्टर को यहाँ पे टपका देता हूँ बाहर जा के। एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, पागल है, पागल है, मारेगा 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 मुझे। छोड़ दे छोड़ दे भाई, क्या हो रहा है ये, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे, जाने दे आज, जाने दे जाने दे जाने दे। ठीक है ठीक है, तो मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा डरावना है। अब मैं किधर जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, यहाँ पर चलता हूँ ऊपर की साइड लाइब्रेरी में, क्योंकि ये तो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ऊपर की साइड लाइब्रेरी में हाँ जा तो सकता हूँ मैं, क्योंकि वो तो फिलहाल खाली होगी और वहाँ पर कोई होगा तो नहीं। और ये यहाँ पर नीचे मुझे ही देख रहा है ये मोटू, इसको मैं मार भी नहीं सकता गोलियों से भी, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह तो नहीं मिल सकते। और ये यहाँ पर लग सकता है क्या, ये यहाँ पर जो मैं लेके आया था? ठीक है, ये तो यहाँ पर लग चुका है, ठीक है ये तो यहाँ पर खुल चुका है, बट वो यहाँ पे ज़ॉम्बी आ सकता है, तो मैं यहाँ पर चढ़ जाता हूँ पहले तो। पूरा नहीं, पूरा नहीं, अरे पूरा नहीं चढ़ना बे, पूरा ही चढ़ेगा क्या? ठीक है, आवाज आ रही है, ये रहा, तू इधर आ मोटे, तू इधर आ, एक सेकेंड, ये चढ़ सकता है क्या? एक सेकेंड, ये चढ़ सकता है क्या? शिट शिट शिट, ये मारेगा मुझे, ये तो चढ़ भी सकता है, इसको मारूं कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए मुझे। पिस्टल किधर है मेरी? एक सेकेंड, मेरी शॉटगन किधर है? तू इधर आ मोटे, तू इधर आ, तेरी तू निकल रहा है कि अबे एक पढ़ क्यों नहीं रही इसको? अबे नहीं 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 नहीं, मारेगा मारेगा, नहीं मत मारियो, मर जा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए शांत हो गया, फटाफट से जो इसको जो है रिलोड कर लेता हूँ। और इसको जो है, इसको यहाँ किधर खिसकाऊँ मैं? इसको जो है मुझे यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे खिसकाता हूँ। चल रे लियोन, कुछ कर। ठीक है, तो ये तो फिलहाल शांत बैठा हुआ है। खिसका दे खिसका दे खिसका दे। ठीक है ठीक है, निकल निकल निकल, फटाफट निकल यहाँ से, निकल जा निकल जा निकल जा। क्या नौटंकी है ये, फिर से खड़ा हो गया ये। अब मैं इसको, अरे निकल जा यार तू, निकल, सामने वाले दरवाजे में चलता हूँ मैं। सामने वाले दरवाजे में तो कोई नहीं आएगा ना। एक सेकेंड, ये किधर आ गया मैं? ओ भाई भाई, यहाँ पे ना आ जाए। मेरी गन किधर है? ये रही मेरी गन। सबसे पहले एक सेकेंड, यहाँ पे ज़ॉम्बीज है, बाल बाल बच गया मैं। कुछ है भी नहीं मेरे पास, ग्रेनेड भी नहीं है, तो इसको मारूंगा कैसे मैं? अरे शिट शिट शिट, इसको तो मैं, रुक जा तेरी, रुक जा तेरी ऐसी गम तैसी। अरे भाई भाई, पीछे से वो मॉन्स्टर भी आ रहा है। शॉटगन निकाल, शिट, डेंजर में आ चुका हूँ, तो अभी तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है,
अरे भाई मारेगा क्या? छोड़ दे छोड़ दे, तेरे मुंह में ही फेंक दूंगा मैं। भाग जा इधर से, भाग जा भाग जा भाग, फटाफट से मैं भाग लेता हूँ यहाँ से। ये तो मरेंगे नहीं, मुझे जाना किधर है? लेकिन एक सेकंड, मैं इधर से आया और यहाँ पे क्लॉक टावर भी है और यहाँ पे ईस्ट स्टोरेज रूम है, पर यहाँ पर ये शायद खुलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रेड साइन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से खुलेगा नहीं, लॉक्ड है ये। तो मुझे यहीं पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के लिए मुझे इनको मारना पड़ेगा, और यहाँ से तो मैं जा नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे जो है अभी यहाँ पे जो गेट है ये तो यहाँ पे खुला नहीं है, तो मुझे जो है यहीं से जाना पड़ेगा, और वहाँ पर ये जॉम्बी अभी भी जिंदा है, इसको यहाँ पर मुझे फिर से मारना पड़ेगा। अबे इधर आ, खा ले खोली मेरी, एक बार गोली खा ले। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर निकलना पड़ेगा, नहीं तो शायद से वो तो अभी यहीं पर था मोटू सांड, बट यहाँ पर शायद से मैं उस साइड चला गया था, तो अभी वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो फटाफट से मुझे जो है ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये यहाँ पे खोल लेना चाहिए, फटाफट से खोल लेना चाहिए, क्योंकि वो जो है यहीं पर आ गया है, और अभी मुझे शॉटगन निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ गया तो काफ़ी बड़ी परेशानी हो सकती है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैं अपनी जो एम है ना ये यहाँ पर करके रखता हूँ, क्योंकि जो मोटू है कहीं से भी घुसा आता है, इसका कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी मैं यहाँ पे क्लॉक टावर में हूँ, और यहाँ पर शायद सब क्लॉक टावर के अंदर नहीं आ सकता, तो फटाफट से यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ वैसे? एक सेकेंड, मेरे पास ये कुछ व्हील टाइप की है, तो इसका शायद से मैं कुछ कर सकता हूँ। ऊपर की तरफ कुछ ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, पता नहीं डब्बा टाइप का लग रहा है मुझे, और इसको मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि वहाँ ये क्या चीज़ पड़ी हुई है, इस पर यहाँ पर देख लेता हूँ क्या है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, कभी भी इसके अंदर से आ गया तो मुझे पीछे से मारेगा ये। इसको मैं लगा सकता हूँ क्या इसके अंदर? ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो चक्का है ना, व्हील मतलब, ये तो इसमें लग चुका है, और यहाँ से सीढ़ियाँ खुल चुकी हैं, शायद से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो अभी यहाँ पर आ गया है मेरे पास। इसको मैं निकाल सकता हूँ क्या फिर से? ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, अच्छी बात है। तो अभी ऊपर की तरफ किधर खुली थी जो सीढ़ियाँ हैं, वो शायद से यहीं से खुली थी, और ये क्या चीज़ है, इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्या? ऑल राइट, तो नहीं, ये यहाँ पर लग नहीं रहा, तो यहाँ पर शायद तो कोई प्रॉब्लम है इसको लगाने में। तो सीढ़ियाँ हैं वो मुझे किधर? अच्छा, ये रही सीढ़ियाँ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर तो कुछ भी लाइक दिखाई तो नहीं दे रहा है। सामने की तरफ मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी क्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, तो क्लॉक ही होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ आ रहा है ऑप्शन, ये स्मॉल गियर, तो चलो मैंने निकाल लेता हूँ इसको। शायद से ये जो स्मॉल गियर है ना, ये शायद नीचे की तरफ लग सकता है, ऊपर की तरफ तक क्योंकि कुछ है नहीं है। मैं एक बार नीचे की तरफ जाके वो जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर लगा के मुझे देखना होगा किधर गया। यही था क्या? हाँ यही था। तो इसमें ऑल राइट, तो यहाँ पर ही लग तो चुका है, और ये चालू भी हो गया है, बट इसका मैं करूं क्या? यही वाला था क्या, कोई दूसरा वाला था? मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, एक सेकंड में यहाँ पर चलता हूँ, शायद उस साइड में था ना। नहीं, यहाँ से तो मैं अभी अभी आया हूँ, यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मतलब यहाँ वाली जो मशीन है ना, ये तो यहाँ पर चालू हो चुकी है, और इनको यहाँ पर चालू करना है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर चालू नहीं हो रहे हैं, ये यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं, और ये चालू किधर से होंगे ये मुझे अभी पता लगाना पड़ेगा। किसी की आवाज़ आई मुझे, शायद कि बाहर की तरफ है। ये बाकी की जो चक्की हैं ये घूम क्यों नहीं रहे? इनको मुझे तरह देखना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर ये जो चक्का है ये तो यहाँ पर घूम रहा है, और यहाँ पर भी सारे चक्के लगभग घूम रहे हैं। शायद से ये वाला जो पार्ट है ना, जो मेरे पास है अभी, वो शायद ऊपर लगेगा, या फिर मुझे उसको निकालना नहीं चाहिए था उसमें से, क्योंकि अगर मैं उसमें से निकालता नहीं तो शायद से काम कर जाता। एक सेकेंड, यहाँ पर लगेगा क्या? ठीक है, तो शायद ये यहाँ पर लग सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये भी चालू हो चुका है, यानी कि ये जो घड़ी है पूरी तरीके से यहाँ पर चालू हो चुकी है। अभी देखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, शायद से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर आ सकता है यहाँ पर भी। यहाँ पर 3 बज चुके हैं और एक घंटा भी हिल रहा है। ठीक है, तो शायद ये जो बॉक्स है ना, ये यहाँ पर नीचे गिराने की कोशिश में है। ऑल राइट, चलो तो ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये तो मुझे मिल चुका है, इसको जो है मुझे लेके अभी चलना पड़ेगा। ये बॉक्स इधर गया, मुझे सीढ़ियों पर से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, शायद नीचे की तरफ ही टपका हुआ है। फटाफट से अपनी जो गन है वो रिलोड कर लेता हूँ, मेरे पास एमओ ही नहीं है शॉटगन की, 3 ही एमओ बची हुई है बस।
अगर वो मुझे मोटू मुझे फिर से मिल गया ना, मैं मारूंगा कैसे उसको। किधर गया? इधर ही तो पड़ा था। हाँ इधर पड़ा होगा, ये रहा। इसको मैं ज़रा खोल के देख लेता हूँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ ढंग की चीज़ तो होगी। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ तो कुछ कंडक्टर वगैरह लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, वही वाला जो कि मुझे एक और मिल चुका है, पहले भी मुझे एक मिल चुका था। और यहाँ पर अभी मुझे पार्किंग की कार्ड लेने के लिए जाना है, और जो पार्किंग की कार्ड है वो मुझे मिलने वाला है गैरेज में, और जो गैरेज है वो यहाँ पे नीचे की तरफ है। मैप में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो गैरेज है ये रहा मेन हॉल अपना, नहीं मेन हॉल तो अपना ये है, नहीं ये वाला जो अपना मेन हॉल है। और यहाँ से मैं जाऊँगा अगर वेटिंग रूम से होते हुए फायर एस्केप से, तो मैं जाऊँगा कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो गैराज है वो तो एकदम नीचे की तरफ है, और वहाँ पे जाने का एक ही रास्ता है, फायर एस्केप से होते हुए वॉच रूम वाले कमरे में जाना पड़ेगा मुझे, और ब्रेक रूम में जा सकता हूँ यहाँ से मैं, यानी कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है मैं पहुँच पाऊँगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले मेन हॉल में जाना पड़ेगा, और मेन हॉल में जाने के लिए यहाँ पर चल लेता हूँ। फिर ये ज़ॉम्बी खड़ा हो गया, मैं अपनी ये वाली गन निकाल देता हूँ, इसको इसको भाड़ में जाने देता हूँ। मुझे अभी जाना किधर है? मुझे अभी यहाँ से क्लॉक टावर है ना ये, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो लाइब्रेरी में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे यहीं से जाना होगा, तो फटाफट से यहाँ पर चल लेता हूँ। वो मोटू मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी बड़ा सांड था वो। एक सेकेंड, वो इधर ही किधर ही है? वो यहीं कहीं है, मुझे आवाज़ तो आ रही है बट है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं किधर है, शायद से वो उस साइड में होगा, तो मुझे यहाँ से तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो यहीं से चलता हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मारने का विचार है क्या इसका? मुझे लाइब्रेरी से मुझे बाहर की तरफ जाना होगा, बाहर की तरफ जाने के बाद वॉच रूम वाले कमरे में, बस मुझे ये धप्पा ना कर दे। ठीक है, किधर है? नीचे की तरफ ही लग रहा है मुझे, कहीं ईरा ईरा। मैं ऐसे मानूंगा नहीं फालतू, अपनी एमो वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे सीधे यहाँ से निकल लेता हूँ। आ जाइए, मेरा पीछा करेगा ना, करने देता है इसको पीछा, मुझसे देर से भाग नहीं पाएगा कम से कम। मुझे पता नहीं चल रहा है मेरा पीछा क्यों कर रहा है, अगर आपको पता हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि ये जो है मेरा पीछा क्यों कर रहा है मोटू साढ़। अब यहाँ पे ज़ॉम्बी मिल सकते हैं क्या? मुझे आवाज़ें तो भयंकर आ रही हैं, लाइट भी ब्लिंक हो रही है, बस कोई ना मिले तो ज़्यादा बेटर है। चलो कोई नहीं मिला, यहाँ से मैं जा सकता हूँ। ये तेरी कमी थी, आ जा निकल यहाँ से। ये अबे अबे सारे के सारे जिंदा हो गए ये, इनकी निकलो निकलो निकलो, निकल जाओ फटाफट। मैं अपने वाले कमरे में चलता हूँ, सबसे पहले जो फालतू का सामान है ना वो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, क्योंकि जो सांड है ना वो यहाँ मेरे वाले कमरे में नहीं आ सकता है। ऑलराइट, तो मैंने फालतू का सामान जो है इस वाले बक्से के अंदर रख दिया है, अभी मैं यहाँ पे बाहर की तरफ चलता हूँ। और जो ज़ॉम्बी था इसको तो मैंने टपका दिया था, और ज़ॉम्बी है क्या? चलो यहाँ पर तो कोई और ज़ॉम्बी नहीं है, तो मैं यहाँ से फटाफट से नीचे की तरफ निकल लेता हूँ, और मुझे जो है सीधा सीधा गैरेज में जाना है। और गैरेज में जाने के लिए मुझे ये वाले दरवाजे से इस साइड आना होगा, और उसके बाद मुझे इस साइड जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं चल लेता हूँ उसी गैरेज के पास। अब मुझे यहाँ पे कुत्ते ना मिल जाए, क्योंकि लास्ट टाइम ना मुझे काफ़ी सारे कुत्ते मिल गए थे यहाँ पे, और मैं नहीं चाहता कि मुझे जो कुत्ते हैं वो फिर से यहाँ पर मिल जाएं। पीछे तो नहीं है ना कोई? चलो ठीक है, मेरे हिसाब से जो कुत्ते हैं ना वो फिर से यहीं पर गैरेज के अंदर होगी। तुम ना, मैं आराम से जो दरवाज़ा है ना वो यहाँ पर खोलूँगा, जल्दी से नहीं खोलूँगा। और ठीक है, तो यहाँ पर जो दरवाज़ा है ये तो मैंने यहाँ पर खोल दिया है, बट कोई भी कुत्ता वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है, सबके सब मरे पड़े हैं। चलो अच्छी बात है, तो फटाफट से यहाँ पर मैं जो गैरेज है यहाँ पर चल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी गैरेज का जो की कार्ड है ना वो यहाँ पर लेना है। और मेन सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि एक सेकेंड, मेरे पास कुछ एमओ थी, ठीक है, मेरे पास शॉर्ट गन में 3 एमओ है, तो मुझे एमओ तो निकाल लेना चाहिए यहाँ पर। कोई भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये तो बंद था ना, यहाँ से यहीं से जाना था मुझे, सबके सब मरे पड़े ना यहाँ पे। ठीक है, मैंने तो सबको मार दिया था,
ये आ गया मैं गैरेज में, तो मुझे ना यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए ये खुलता है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो है नहीं खुल रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसी के बाद जो है यहाँ पर खुलने वाला है, तो इसको जो है मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मुझे जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो है पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो तो यहाँ पर पहुँचा दिया है, बट यहाँ पर अभी भी शायद से कुछ ना कुछ मिसिंग है। मेरे हिसाब से हो गया है ये, तो यहाँ पर अभी खोल कर देखूँ क्या इसको। अभी खुल जाना, ये अभी भी नहीं खुल रहा है। मतलब मैंने लाइट भी पहुँचा दिया बट अभी भी नहीं खुल रहा है, ये क्या मजाक है? फिर से शायद से यहाँ पर मुझे कुछ ट्राई करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पर ही खुला है, लाइक मैंने एक कनेक्शन यहाँ पर लूज़ कर दिया था। ठीक है, तो चलो ये तो यहाँ पर ओपन हो चुका है, और अंदर जाके इसके पास गैरेज का की कार्ड था। ये क्या पड़ा है? एक सेकेंड, इसकी कुछ मेमो वगैरह होगी फालतू की। यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेल्थ का वो मुझे मिल चुका है स्प्रे, और इस साइड में इसके यहाँ पर तो एक कार्ड लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से शायद से वो जो दरवाज़ा है ना वो यहाँ पर खुल सकता है। लेकिन ये सब तो जो ऑर्फनेज में हुआ उसके बारे में नहीं बताता। मुझे तो बहुत डाउट होता है अमरीला पर, और वो भी तब जब इन्हें उससे फायदा हो। तुमने मुझे बताया था कि ये इंटरव्यू अमरीला की स्कॉलरशिप के ऊपर है। अरे एनेट, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको जी वायरस के बारे में पता करना है। कहाँ से सुना तुमने इसके बारे में? बस वही नहीं, और सबको ये भी जानना है कि सिटी के बीच में वो होल क्या कर रहा है, और मैंने तो ये भी सुना है कि उस गड्ढे से कोई भी तुम्हारे हेडक्वार्टर्स आ सकता है। तो अब तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? अब ये इंटरव्यू खत्म हो गया है। अरे यार, ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो इंटरव्यू स्क्रिप्ट है ना, ट्रांसक्रिप्ट है ये, और इसमें ना इसने किसी के साथ में शायद से बात की होगी, इस वजह से उसी की यहाँ पर ये कुछ इंटरव्यू स्क्रिप्ट है। और यहाँ पर ये जो पार्किंग गैराज की कार्ड है ये भी यहाँ पर मिल चुका है, यानी कि इसको यूज करके जो मैं है यानी कि इसको यूज़ करके मैं यहाँ पे बाहर की तरफ निकल सकता हूँ। चलो यहाँ पर इसका काम तो हो गया, और यहाँ पर ये पता नहीं बिजली का यहाँ पे लाइक लूज है कनेक्शन। एक सेकेंड, ये क्या मजाक है? ये क्या हुआ? दरवाजे तो नहीं खुल गए ना सारे के सारे? शिट, अबे नहीं, अपनी वाली गन निकालता हूँ मैं। शिट 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 शिट, ये भी मर गया। रे मर क्यों नहीं रहा ये? मर जाओ, एमो खत्म हो गई है। इनके मुंह में ना ये फंसाना ही पड़ेगा, मतलब इतने सारे नहीं आने चाहिए थे यार, इतने सारे क्यों आ गए यहाँ पे? इसके मुंह में भी मुझे फंसाना पड़ेगा यार, ये मानते क्यों नहीं है? मर जाओ यार, शायद से ये ना इस झील के अंदर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते हैं, मैंने गलत बोला, सॉरी, बाहर चले जाओ, मर जाओ भाई, तू भी मर जा, निकल जा यहाँ से। कितनी गोली खाएंगे यार ये, मर गए ना सबके सब। चलो ठीक है, मेरे पास हेल्थ तो मेरी ठीक है, मेरे पास एक भी फ्लैशबैंग नहीं बचे। शॉटगन की एमो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, नहीं तीन एमो बची है, पिस्टल की एमो ख़त्म हो चुकी है, और एक फर्स्ट एड स्प्रे है। ठीक है, तो यहाँ से फटाफट से निकल लेना चाहिए, कोई आना। एक सेकेंड, अबे ये तू किधर से आ गया बे? अबे मोटू, तुझे बुलाया था क्या मैंने? तू फालतू में क्यों आ जाता है? निकल इधर से, मैं जाऊँ किधर से? इसी यहीं से रास्ता है ना? मैं गलत रास्ते पर आ गया, शिट, मैं गलत रास्ते पर आ गया,
गलती कर दी, मुझे उस साइड से निकलना चाहिए था, मैं भी इतना बड़ा पागल हूँ, यहाँ से बंद है रास्ता। शॉटगन निकालनी पड़ेगी। आ जद्दू तेरी एक गोली खा, मर जा मर जा मर जा तू, हट यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो भागो। अबे तुम लोग किधर से आ गए थे? शिट 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 शिट, भागो 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 भागो। किधर से था रास्ता, किधर से था रास्ता? इधर से था क्या? ठीक है इधर से था रास्ता, ये रहा दरवाज़ा। मुझे फटाफट से जो हेल्थ है ना वो यहाँ पे मार लेनी चाहिए। चलो ठीक है, अभी यहाँ पर मेरी जो हेल्थ है वो तो फाइन है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये जो है ये भी आ चुकी है और इसने इसको यहाँ पर ठोक दिया है। चलो अच्छी बात है, कम से कम मर तो गया मोटू। अभी पता नहीं मरा है कि नहीं मरा, क्योंकि काफी बड़ा सांड है ये, इतनी जल्दी नहीं मरेगा। एडा क्या यार लियोन, तुम जब भी मुझे दिखते हो हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में होते हो। सही कहा, पर थैंक यू। यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई गेम नहीं है। ये कैसे हो सकता है यार, यहाँ पर कुछ भी एक बार में क्यों नहीं मरता? तो क्या तुम्हारे पास की कार्ड है? हाँ और ये भी, मैं सोच रहा था कि तुम मुझे इसके बारे में कुछ और बता सको। शायद, पर मुझे पहले ये सुनना पड़ेगा। चलो अब बाहर निकले यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आगे आगे चलती जा रही है और शायद से मुझे ये वाला जो दरवाज़ा है ना ये खोलना पड़ेगा इस वाले की कार्ड को यूज़ करके। तो वो जो की कार्ड है वो मुझे इसके अंदर लगाना पड़ेगा, बट इसके आगे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। मैं इसके आगे अभी तो नहीं जाने वाला क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर से यहाँ पर मेरी फाइट हो चुकी है और ये वाला जो मॉन्स्टर है मर गया या फिर नहीं मरा इसका कुछ अता पता नहीं है क्योंकि मुझे दिखाई दे नहीं रही है। घुस गया क्या इसके अंदर? लगता तो कुछ ऐसा ही है क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज मारे मैंने, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी आगे जाना चाहिए क्योंकि आगे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज मिल सकते हैं। और इसके पास तो कोई गन है कि भी नहीं है? गन है क्या तेरे पास? मुझे दिख नहीं रही गई गन। ठीक है तो इसके पास गन नहीं है तो मैं तो नहीं जा रहा, मुझे क्योंकि मेरे पास अभी एमो भी नहीं है और इसको मुझे लाइक ये मारेगी भी नहीं किसी ज़ॉम्बी को और मुझे सारे के सारे ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा। तो रेजिडेंट एविल 2 के इस वाले एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, नहीं तो आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड की जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा वाला बॉस जो है वो ज़्यादा डेंजर लगता है, ये वाला बॉस डेंजर लगता है या फिर जो पहला वाला बॉस था जिसकी आँख काफ़ी बड़ी थी वाला बॉस आपको काफ़ी ज़्यादा डेंजर लगता है? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वाले रेजिडेंट एविल 2 के एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।